हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और ये लेक्चर आपका बहुत ही जबरदस्त जाने वाला है। क्वेश्चन आपका 3D पे है और क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि स्टूडेंट डिजाइन से क्यूब विद ईच साइड ऑफ लेंथ ए यूनिट्स एंड नेम इट OADBFEGC टेकिंग ओ एज ओरिजिन। आपके सामने रहा क्यूब, बोलते हैं कि बेस्ड ऑन अबाउ इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, इसमें पूछ रहे हैं कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स FR, जो यार आपका ये F वर्टेक्स है क्यूब का, इसके कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछ रहे हैं। यस प्यारे बच्चों, इसके कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछ रहे हैं कि क्या होंगे। तो यार F के ही नहीं, किसी भी वर्टेक्स के यहां पे आपसे कोऑर्डिनेट्स पूछ सकते हैं। तो बिल्कुल आप ध्यान से देख लेंगे, एफ के कोऑर्डिनेट्स में कैसे निकालने वाला हूं। देखिए, आपका जो क्यूब है उसकी हर साइड की लेंथ कितनी है? ए यूनिट्स। तो यहां पे मैं करने वाला क्या हूं, ध्यान से देखेंगे, मैं ओरिजिन से एफ पहुंचूंगा। ओरिजिन से कैसे पहुंचूंगा एफ, वो देखिए। एक तो ओरिजिन से मैं एफ कैसे जा सकता हूं, ओ से बी आऊंगा और बी से एफ जाऊंगा। एक मैं ओरिजिन से एफ कैसे पहुंच सकता हूं, ओ से सी जाऊंगा और सी से एफ जाऊंगा। यही अच्छे तरीके है जाने के। यस, तो मैं दोनों तरीके से जाके दिखाऊंगा आपको और दोनों से ही मैं कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं। देखिए कैसे। अब यार मैं ओ से बी जा रहा हूं तो मैं वाई एक्सिस पे चल रहा हूं या एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा हूं या जेड एक्सिस की तरफ? आप ये कहोगे सर वाई एक्सिस की तरफ चल रहे हो आप, और ओ से बी ये क्यूब की साइड हो गई और साइड की लेंथ कितनी दे रखी ए। तो मैं ओ से बी कितना चला, ए चला, और कहां पे चला, वाई एक्सिस पे चला। तो वाई एक्सिस पे चला तो वाई की जगह लिख दो ए। वाई की जगह क्या लिख दो? ए। मैंने वाई की जगह ए लिखा है, एक्स की जगह कुछ नहीं लिखा है, खाली छोड़ रखा है, और जेड की जगह कुछ नहीं लिखा है, वो भी खाली छोड़ रखा है। अब ध्यान से देखेंगे, अब मैं बी से एफ जाऊंगा, तो आप खुद देखिए मैं जेड एक्सिस की तरफ जा रहा हूं या एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा हूं या वाई एक्सिस की। तो आप ये कहोगे सर ऐसे तो जेड एक्सिस है, आप तो जेड एक्सिस की तरफ जा रहे हो। तो बी से एफ मैं गया जेड एक्सिस की तरफ, और बी से एफ क्यूब की आपकी साइड है और साइड की लेंथ कितनी है ए। तो बी एफ कितना आपका ए, जो जेड एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, तो जेड एक्सिस मतलब जेड की जगह भी लिख दोगे ए। आपको समझ में आ रहा होगा ये आसानी से। अब देखो यार, मैं एक्स चलाई नहीं, इधर तो मैं वाई एक्सिस की तरफ चला, इधर मैं जेड एक्सिस की तरफ चला। एक्स कहीं चला? नहीं चला। एक्स एक्सिस की तरफ कहीं चला? तो उसकी जगह लिख दो जीरो। तो यहां पे आपके कोऑर्डिनेट्स ये हो गए जो ऑप्शन सी के अंदर है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। अब मैं आपको यहां से ओ से सी और सी से एफ जाके दिखाता हूं यही कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो यार O से C मैं किसकी तरफ जा रहा हूं, जेड एक्सिस की तरफ जा रहा हूं। तो ये लेंथ कितनी आपको अच्छे से पता है, क्यूब की साइड है, तो लेंथ कितनी A। तो यहां पे मैं जेड एक्सिस की तरफ गया तो जेड की जगह A लिख दूंगा। अब आप देखिए C से F मैं वाई एक्सिस की तरफ चल रहा हूं या एक्स एक्सिस की तरफ? यार मैं वाई एक्सिस की तरफ चल रहा हूं, तो ये कितना है A, तो वाई की जगह आप A लिख दो। वाई की जगह क्या लिख दो आप A। क्या मैं एक्स एक्सिस चला, नहीं चला, तो अब मैं एक्स की जगह क्या लिखूंगा, जीरो। ये कोमा जरूर लगा लेना, है ना, कोमा जरूर लगा लेना। तो यहां पे आपका ऑप्शन सी सही बैठता है, सी सही होता है ऑप्शन। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यस प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पे प्यारे बच्चों, अपने सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि लेंथ ऑफ डायगनल ओ ई इज इन यूनिट्स। जो आपका ओ ई डायगनल है, यस प्यारे बच्चों, ओ ई जो डायगनल है इसकी लेंथ बतानी है इन यूनिट्स। तो बता देंगे यार, अगर ओ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है और ई वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है, तो मैं क्या करूंगा, ओ ई के बीच में लगाऊंगा डिस्टेंस फॉर्मूला, और ओ ई के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद जो आंसर आएगा वो ही आपकी इस डायगनल की क्या है, लेंथ है। तो यार ओ के कोऑर्डिनेट्स आप बहुत बढ़िया से बता सकते हो, ओ एज ओरिजिन, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 0 0। ई के ई वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हम बढ़िया से निकाल लेंगे जैसे एफ के निकाले थे। तो देखिए ई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ध्यान से देखेंगे। यस, तो देखो मैं ये पहले ओ बी आऊंगा जो वाई एक्सिस पे आया, और ओ बी कितना ए, तो मैं वाई की जगह ए लिख लेता हूं। प्यारे बच्चों, वाई की जगह कितना लिख लेता हूं, ए। अब मैं बी एफ
बी से एफ जाऊंगा जो किस साइड चल रहा हूं, जेड एक्सिस की साइड चल रहा हूं, तो बी एफ यहां पे आपका कितना होगा ए, तो चला जेड एक्सिस की साइड, तो जेड की जगह लिख लो ए। यस यार आसान है बहुत। अब मैं एफ से ई आऊंगा, एफ से ई आऊंगा, तो एफ से ई जब आ रहा हूं तो मैं किस साइड आ रहा हूं, एक्स एक्सिस की तरफ आता हूं, देखो एक्स एक्सिस की तरफ चलता हूं ना मैं, यस, तो एफ से ई आओगे तो एक्स एक्सिस की तरफ चले, तो एक्स एक्सिस की जगह तो लिखोगे, एक्स की जगह तो लिखोगे, और कितना चले ए चले, तो यस ए यहां लिख दो, क्योंकि यहां पे बोल रहा है कि साइड ऑफ लेंथ जो आपका जो ये डायगोनल सॉरी ये जो आपका क्यूब है इसकी जो साइड की लेंथ है वो कितनी है, ए यूनिट, सी ये कह रहा है, यस ठीक है। तो आपके जो इस ई के कोऑर्डिनेट्स आए वो क्या है, ए ए ए। अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ओ ई अच्छे से निकाल सकते हो, तो ओ ई यहां पे आप अच्छे से फिलहाल निकाल सकते हो, कैसे, अंडर रूट ए माइनस जीरो का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए माइनस जीरो का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए माइनस जीरो का स्क्वायर ए स्क्वायर, तो यार ये कितने ए स्क्वायर, थ्री ए स्क्वायर ऐड करने पर ऊपर रूट, तो यार यहां पर रूट थ्री इंटू ए आपका आने वाला है, तो रूट थ्री इंटू ए ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहां पे हो गया अपना सही। प्यारे बच्चों थर्ड क्वेश्चन करेंगे, यस थर्ड बच्चों अपने थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन एएफआर, जो ये एएफ यहां से लाइन बनेगी उसके डायरेक्शन कोसाइंस पूछ रहे हैं यहां पे, तो बता देंगे बहुत आसानी से। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक यहां पर बताऊंगा, ध्यान से देखेंगे, अगर एक लाइन दो पॉइंट से पास करती है ए एंड बी से, ए के कोऑर्डिनेट्स मान लो एक्स वन वाई वन जेड वन है, बी के एक्स टू वाई टू जेड टू है, बी के एक्स टू वाई टू जेड टू है कोऑर्डिनेट्स, और इससे मैं ये कहूं कि भाई इसके बताओ डायरेक्शन कोसाइंस, क्या बताओ इसके डायरेक्शन कोसाइंस, तो आप ये कहोगे कि सर एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन ए बी, फॉर्मूला है बेटा ये ध्यान कर लेना, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन ए बी, जेड टू माइनस जेड वन अपॉन ए बी, यस ये डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का फॉर्मूला है, यस। अब आप एएफ के डायरेक्शन कोसाइंस बहुत बढ़िया से निकाल सकते हो, अगर ए पॉइंट के अपने पास क्या हुए कोऑर्डिनेट्स हुए और एफ पॉइंट के अपने पास क्या हुए कोऑर्डिनेट्स, तो यार एफ के कोऑर्डिनेट्स तो है ही, मैं यहां पे बना देता हूं यहां पे, तो देखो लाइन बनाऊंगा तो बहुत बेकार सा ये सारा सिस्टम खराब हो जाएगा, आप देखो तो मैं यहां बना लेता हूं लाइन, चलो ए तो आपका ये रहा जिसके हमें अभी कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, एफ ये रहा जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने अच्छे से पहले ही क्वेश्चन में निकाल लिए थे, क्या है जीरो ए ए, यस। अब ए के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं फिर डायरेक्शन कोसाइंस देखते हैं क्या होंगे, तो ए के कोऑर्डिनेट्स निकालना बहुत आसान है, यहां पे ओरिजिन से आप इधर ही तो आओगे, इधर ही तो आओगे और एक्स एक्सिस पे आए, एक्स एक्सिस पे आए तो x एक्सिस पे आए तो x की जगह लिखना पड़ेगा अपने को, कितना चले a चले, क्योंकि साइड्स कितने साइड की जो लेंथ है वो कितनी है a, तो a x पे चला तो यार x की जगह तो लिखूंगा a, क्या y चला मैं नहीं चला, क्या मैं z चला नहीं चला, तो जीरो जीरो, यस। तो ये a जो आपका वर्टेक्स है यहां पे क्यूब का जो वर्टेक्स a है उसके क्या है ये कोऑर्डिनेट्स, पर हमें तो अभी क्या करना है भाई जो AF लाइन A से F ज्वाइन करने पे जो लाइन बनती है उसके डायरेक्शन कोसाइंस बताने, जो मैंने यहां पे वो लाइन बना दी, यहां पे बनाता तो बेकार सा बन जाता कुछ, यस देखिए। अब यार इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकाल दो इस फॉर्मूले को देखते हुए, तो डायरेक्शन कोसाइंस देखे कैसे निकालेंगे, जीरो माइनस ए ऐसे तो था एक्स टू माइनस एक्स वन अपोन ए एफ, तो यहां पर अपोन क्या था ए बी, कोमा ए माइनस जीरो अपॉन ए एफ, कोमा ए माइनस जीरो अपॉन ए एफ, सिंपल, मैंने ये वाला जो फॉर्मूला यही लगाया, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा, यस। तो यार ए एफ भी पता होना चाहिए, ए एफ तीनों जगह रखना पड़ेगा अपने को, तो ए एफ डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लोगे यार बढ़िया से, कैसे, जीरो माइनस ए का स्क्वेयर तो ए स्क्वेयर आ जाएगा, प्लस a माइनस जीरो का स्केयर ये भी a स्केयर आ जाएगा, प्लस a माइनस जीरो का स्केयर ये भी a स्केयर आ जाएगा, और ये आएगा आपका 3a स्केयर का रूट, तो रूट 3a, यस प्यारे बच्चों रूट 3a, तो मैं रख देता हूं af की जगह रूट 3a हर जगह, तो ऊपर तो माइनस a नीचे रूट 3a,
यहां पे ऊपर तो a नीचे रूट थ्री है और यहां पे ऊपर a नीचे रूट थ्री है यार, a से a उड़ाओ, a से a उड़ाओ, a से a उड़ाओ, तो यहां पे ये आया आपका माइनस वन अपॉन रूट थ्री, वन अपॉन रूट थ्री, वन अपॉन रूट थ्री। और देखो कौन से ऑप्शन में है ये सब, माइनस वन बाई रूट थ्री, वन बाई रूट थ्री, वन बाई रूट थ्री, माइनस वन बाई रूट थ्री, वन बाई रूट थ्री, वन बाई रूट थ्री, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए हो गया सही। अपना फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। यस प्यारे बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन, प्यारे बच्चों आपके फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी डी आर, जो सी डी है, सी डी है उसके डायरेक्शन रेशियोज आपसे यहां पर पूछ रहे हैं इनमें से क्या होंगे। तो कोई लाइन ए और बी पॉइंट से पास करती हो, ए के कोऑर्डिनेट्स ये है, बी के कोऑर्डिनेट्स ये है, और इससे आपसे पूछा जाए कि भाई इसके बता दो डायरेक्शन रेशियोज, तो आप ये कहोगे सर x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 कोमा z2 माइनस z1, इसके क्या होंगे डायरेक्शन रेशियोज। तो इसके लिए भी यार सेम सीन, सेम सीन, मैं यहां पे c लिख देता हूं, यहां पे d लिख देता हूं। यस yes. अब मैं C के कोऑर्डिनेट्स पता करूंगा, D के कोऑर्डिनेट्स यहां पे पता करूंगा, क्योंकि यहां पे CD अगर मैं लाइन खींचता हूं तो बेकार सा हो जाएगा, ये आप अच्छे से जानते हो। C और D के कोऑर्डिनेट्स अपने पास होंगे, हम अच्छे से यहां पे डायरेक्शन रेशियोज बता देंगे, अच्छे से क्या बता देंगे डायरेक्शन रेशियोज। तो यार सी के कोऑर्डिनेट्स देखिए क्या होंगे, ध्यान से देखिए आप, बिल्कुल आसान, अब तो समझ ही चुके होंगे कैसे हम यहां पर कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं वर्टेक्स के। तो देखो मैं यहां पर जो चल रहा हूं ओरिजिन से किस साइड जा रहा हूं, जेड एक्सिस पे, तो सिर्फ मैं z की जगह क्या लिखने वाला हूं, z की जगह क्या लिखने वाला हूं, a। क्या मैं y चला, नहीं चला, क्या मैं x एक्सिस की तरफ चला, नहीं चला, तो दोनों दोनों की जगह आप लिखोगे जीरो जीरो, बिल्कुल आसान है, बहुत आसान। ऐसे ही अब मैं d वर्टेक्स के यहां पे कोऑर्डिनेट्स निकालने वाला हूं, तो ध्यान से देखेंगे पहले मैं किस साइड चलूंगा, एक्स एक्सिस की तरफ, तो एक्स की जगह लिख दू ए, यस। फिर मैं किस साइड चलूंगा, ऐसे देखो ऐसे y एक्सिस है ना, y एक्सिस की तरफ, तो मैं y की जगह कितना लिख दूंगा, a। पहुंच गया d पे, पहुंच गया d पे, क्या मैं z एक्सिस चला, z एक्सिस की तरफ चला, नहीं चला यार, तो z की जगह आप लिख दो जीरो। यस बस अब कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, ये वाला फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा। तो x2 माइनस x1 a माइनस जीरो, y2 माइनस y1 a माइनस जीरो, z2 माइनस z1 जीरो माइनस a। तो यहां पे आपका आता है a a माइनस a, पर ये तो कोई भी ऑप्शन नहीं दिखा रहा। आप अच्छे से जानते होंगे प्यारे बच्चों कि डायरेक्शन रेशियोज जो है वो किसी एक नंबर से अगर डिवाइड होते हैं तो कर देने चाहिए, क्योंकि एक लाइन इनफाइनाइट सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज रखती है और टू सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस रखती है। तो यहां पर मैं एक नंबर से ये डिवाइड हो रहे हैं, उससे मैं डिवाइड कर रहा हूं, किससे, ए से, ए से कर दो भाई सबको डिवाइड। यस ये चीज जाननी बहुत जरूरी है। तो ए से डिवाइड करोगे तो ए से ए कट के वन, ए से ए कट के वन, और ए से ऊपर माइनस ए है, ए से ए कट जाएगा बचेगा माइनस वन। तो ये आपके डीआरस हो गए, डायरेक्शन रेशियोज हो गए किसके, सी डी के, जो ऑप्शन किसमें है देख लेते हैं, वन वन माइनस वन, वन वन माइनस वन सी ऑप्शन में है, ऑप्शन सी यहां पे अपना हो गया सही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वेरी मच।